अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी जनरल क्लीनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि कतर में जितनी भी वहाँ पे जो अबॉन्डेंट बोट्स यानी दोस्तों जो बेकार पड़ी हुई बोट्स या क्रैडल्स है जो आइलैंड्स के किनारे बीच के किनारे और यह कहीं भी दोस्त समुद्र किनारे यदि वो लोग पड़ा हुआ है तो उन सभी को वहां पे उठाया जाएगा और सभी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दोस्तों ये कैंपेनिंग जो स्टार्ट होगा ये 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो यानी कल से ही दोस्तों ये कैंपेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यदि किसी का भी अब बोट्स ऐसा है जो एक्सपायर कर चुका है डेट जिसका या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उन सभी ऐसे बोटों को वहां से उठाया जाएगा समुद्र आइलैंड के किनारे से ताकि सभी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये कैंपेनिंग जो है 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो नेपाली भाइयों के लिए। दोस्तों नेपाल एम्बेसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सूचना जारी की गई यानी नोटिस जारी किया गया है। तो खबर यह है, दिस इज इन्फॉर्म ऑल कंसर्न डेट एम्बेसी विल रिमेन क्लोज थर्सडे 4 नवंबर। दोस्तों नेपाल एम्बेसी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि गुरुवार को यानी कल के दिन 4 नवंबर 2021 को दोस्तों वहां पे एम्बेसी जो है वो बंद करने का फैसला लिया गया है। ओकेशन ऑफ लक्ष्मी पूजा, दोस्तों वहां नेपाल में शायद लक्ष्मी पूजा होता है, बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है यानी दोस्तों दीपावली की वजह से वहाँ पर दोस्तों दीपावली की वजह से 4 नवंबर को वहाँ पर एम्बेसी में छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, पर आपको वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा एम्बेसी में क्योंकि एम्बेसी दोस्तों जो है वो बंद रहेगा। एम्बेसी विल रिज्यूम द वर्क यूजुअल फ्रॉम 7 संडे नवंबर। दोस्तों जो फिर से एम्बेसी जो पूरी तरह से खुलेगा वो 7 नवंबर 2021 से खुलेगा। तो यदि आप लोग जाने वाले हैं तो साथियों तो मत जाइएगा क्योंकि आपका जो एम्बेसी है वो फिलहाल वो बंद किया गया है। अगली जो अपडेट साथियों जो आ रही है कतर से, कतर स्पोर्ट क्लब प्लेयर अली मोहम्मद अल अफसी, बहुत ही बता दोस्तों वहाँ पे एक वहाँ पे प्लेयर है जो कि स्पोर्ट्स क्लब के प्लेयर है, उनको वहाँ पे 2000 कतरी रियाल का उनको फाइन लगाया गया है क्योंकि गलत लैंग्वेज यानी ऑप्शंस लैंग्वेज यूज़ करने के जुर्म में। तो फिलहाल दोस्तों उन्होंने कुछ बोला था इंटरव्यू में ये, तो इसी की वजह से कतर स्पोर्ट्स क्लब प्लेयर को अली मोहम्मद अल अफसी को वहाँ पे 2000 कतरी रियाल का जुर्माना लगाया गया है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही कतर एयरवेज़ की तरफ से आ रही, कतर एयरवेज़ एंड हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तोहफा लॉन्च किया गया जिसका नाम है फ्लाई एंड विंग कैंपेन। दोस्तों एक तरह का ये कैंपेन है, तो उसमें अनाउंसमेंट ये किया गया है कि 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2022 तक यदि कोई भी ट्रैवल करता है तो वो लोग काफ़ी चीज़ें जीत सकती है, जैसे कि ब्रांड न्यू पर्चीज जो कार होता है वो आप जीत सकते हैं। तो यदि उस दौरान अब यदि आप ट्रैवल करते हैं लकी ड्रॉ किया जाएगा, लकी ड्रॉ के दौरान यदि आप जीतते हैं तो आपको इसका तोहफा दिया जाएगा, ये जो पर्चीज कार होता है उसे आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो हम लोग कोविड-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में, ताज़ा हालात वहाँ पे क्या है, तो अब तक वहाँ पे 48,42,210 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 घंटा में वहाँ पे 3578 लोगों को जांच की है, अब वैक्सीन दिया गया। वहीं पे 24 घंटा में 104 नए केसेस आए जिनमें से 30 लोग ट्रैवलर हैं। टोटल एक्टिव केस 1238 है। 24 घंटा में 116 लोग रिकवर हुए, टोटल वहाँ पे 237,659 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। 24 घंटा में 23,281 लोगों का जांच किया गया, टोटल वहाँ पे 2841,667 लोगों को जांच किया जा चुका है। वहीं पे 24 घंटे के अंदर एक भी लोग की मौत नहीं हुई, टोटल वहां पे 611 लोग मर चुके हैं। आईसीयू में 24 घंटे में एक भी लोग नहीं गया, टोटल वहां पे 11 लोग आईसीयू में है। तो दोस्तों ये पूरी ताज़ा अपडेट थी कोविड-19 की, और यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो आप 1600 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत ही मेडिकल सहायता आपको दी जाएगी। और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि वहां पे अब तक 84.2% लोगों को वहां पे अलग फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।